माशाल्लाह अभी आप वहाँ देख सकते हैं अपने ये पूरे असील क्रॉस मतलब डुगले है क्रॉस ब्रीड के मुर्गी के बच्चे ये पूरे। अभी दाने का टाइम है, सोचा आप लोगों को थोड़ा बता देंगे। बल्कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ असील क्रॉस है, बल्कि कहीं को बोले तो डुगले बोलते लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए असील क्रॉस बोल के बोलता हूँ, ईजी समझ में आ जाना बोल के लोगों को। तो फिर लोग बोलते हैं भाई वो डुगले कौन से होते हैं, असील कौन से होते हैं, सब पूछते हैं, फिर तो वीडियो लंबी हो जाती है हिसाब से। और लोग तकरीबन आजकल शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, लॉन्ग वीडियोस बहुत कम देखते हैं, हिसाब से मैं 5-6 मिनट के वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत लोग मेरे को बोल रहे थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाओ बोल के, इंशाल्लाह बनाएंगे वो भी थोड़ा चैनल आगे बढ़े बाद में। तो आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो ना थोड़ा कमेंट करके बोले तो इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करता हूँ वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए लोग हमारे चैनल पे है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं अपने चैनल पे। और बाजू बेल आइकन भी रहता है उसको भी प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो, मैं जब भी वीडियो डाला आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आती है। अभी असील मुर्गी के बच्चों को थोड़ा डालेंगे ना, सब खा लेते फिर। एक मुर्गी का बच्चा तो हमेशा यहाँ फिर ले रहा था, डरे हुआ है। हेलो हेलो, यहाँ देखो असील के लो तो वैसे तो नहीं खा रहे, हम बस पे काम करेंगे, बड़े वालों को खोलता हूँ आप लोगों को बताता हूँ भी, बोला नहीं खा रहे ना सबसे, टाइम वेस्ट भी नहीं करना। और एक ये सिंगल बच्चे को बहुत सता रहे हैं ये पूरे मुर्गी के बच्चे, और सिंगल बच्चा ज़रा परेशान बहुत है। ये देखो ये वाला, उसके साथ वाले चले गए तो उन्हें, फीमेल है वो मतलब मादी है मुर्गी, तो एक काम करेंगे अपन ये बच्चों को पहले बंद कर देंगे यहाँ के। पूरे अंदर चले गए तो थोड़ा जी होता, चलो सब बंद कर देना। ये बच्चा काम गया, ब्रीडर मुर्गे को बाद में छोड़ेंगे, पहले बच्चे को जितना हो सके सेफ करने की कोशिश करता हूँ मैं भी। नहीं हो सकता बोल नहीं सकते, नहीं होता ऐसा दिख रहा सेफ, कहीं को बोले तो यहाँ पे वहाँ पे भाग रहा है, देखो अंदर भी नहीं जा रहा। फाइनली अंदर चले गए हमें, और गंदगी इतनी हो गई अपना क्वेश्चनों को, कहीं को बोला तो ज़रा मुश्किल हो रही है अभी गर्मी रहने की, ऐसे मैं भी ज़्यादा केयर नहीं कर सकता। खोलूंगा गर्मी रहने की ऐसे निकल रहे भी नहीं मुर्गियाँ, चलो को बुला दो थोड़ी लालच देख। इधर आ, खोलते कि सीधा जा रही झाड़ा खाना शुरू कर दे रही था सिल की मुर्गी, पूरे हरे पत्ते खाने की आदत हो गई उसको, सीधा खोलते कि भाग के जाके वहाँ झाड़ा खाना शुरू कर दे रही था। यार उन्हें सुंदरी भी नहीं बुला, ये आ गया नोरा मुर्गा, उसको हटाल के लाता हूँ सर, मैं पूरे झाड़ा खा ले रही। ए चलो चल इधर चल, चल चलो सारी नहीं करना, चलो चलो अब आ जाओ। फिर फेंक के बताता हूँ मैं, मतलब खटोरा दूर फेंक दिया ना, खा लेना आप लोगों को इजी दिखना बोल के थोड़ा दूर, और हफ्तों में मुर्गा आया तो नज़दीक आप लोगों को दिखता। तो देखो शुरू कर दिया अभी, मैं खाने नहीं देता लोगों को, फिर मुर्गी देखो वहाँ जाके देख रही, फिर वहाँ चले जा रही, देखो उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, खाली पत्तों पे स्टैंड जितना भी है पूरा दिमाग वो झाड़ों पे, हरे पत्ते खाना है बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो फिर चले गई, मैं इसको बार बार हटाल के ले जाना पड़ रहा, दम कर दे रही हूँ, झाड़ा खराब कर देती हूँ। चल अब मैं एक चल चलो चल, मैं एक खटोरा कहीं को लेके फिर रहा बोला तो साथ में मैं रख के हट गया तो जरिए में खा लेते लूँ, फिर आप लोगों को नज़दीक से बता नहीं सकता हूँ, फिर लोग बोलते मेरे को भाई थोड़ा नज़दीक से बताओ, आप नहीं बता रहे आजकल बोले, तो हिसाब से खटोरा लेके जाता हूँ आते रहता हूँ क्रॉसिंग कर रहा है। अब ज़्यादा वेट बढ़ जाने की वजह से थोड़ा मुर्गी क्रॉसिंग के भी मसले हो रहे हैं, मुर्गे का वेट भी बढ़ गया और मुर्गी का भी, तो हिसाब से मुर्गे को क्या हो गया थोड़े पैरों का प्रॉब्लम भी आ गया। एक बोले तो मट्टी कम हो गई अपने पास, तो नहीं क्रॉसिंग वगैरह करते तो आप ना देखे अभी क्रॉसिंग नहीं करा उन्हें, लेकिन मुर्गी उठ के चले गई, मुर्गी बैठ रही बराबर अंडों पे आ रही उन्हें, कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही, लेकिन मुर्गा क्या है खाली आजू बाजू क्रॉस कर दे रहा है, पैर उठाने से करा, क्योंकि वो तो थोड़ा कमज़ोर हो गया उन्हें मट्टी कम हो जाने की वजह से, और कुछ मसला नहीं है। तो अपना देखे भी क्रॉसिंग करते वक्त एक पैर उधर रखा, हुई नहीं वो क्रॉसिंग, बस खाली क्रॉसिंग कर दिया लाइट छोड़ दिया बस, फिर वहाँ चले गए जो जस्ट अपन ऐसा देखे ईस आ गई जाके वहाँ ठहर गई ख़त्म, अब कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो आप लोग कोई से टॉपिक पे वीडियो ना बोलो, इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, पर वीडियो कैसी दिखी क्या बोलूँ, आप लोग उतना कमेंट भी नहीं करे खाली वीडियो देख रहे, और तकरीबन लोगों क्या है 1 से 1.5 मिनट की वीडियो देख रहे, मेरे को मालूम होता है हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो वीडियो कैसी दिखी क्या बोलूँ, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ही मिलता हूँ।
और एक बात क्या है बोले तो मेरे को बहुत तो असल के से पूछ रहे बच्चे, तो इंशाल्लाह असल के एक हमारे दोस्त के पास आने वाला है लॉट, मैं आप लोगों को बोलूँगा उसके बारे में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।